भाई, अरे नहीं भाई, इन्होंने गलत तथ्य रखे। बैंगलोर भाई गलत तथ्य में दुरुस्त कर दीजिएगा, उनके गलत तथ्य दुरुस्त कीजिएगा, बैंगलोर के गलत तथ्य दुरुस्त कीजिएगा। बैंगलोर के, अरे भाई सुन लीजिए, बैंगलोर के जिस ईदगाह मैदान की बात हुई थी, बैंगलोर का ईदगाह मैदान भाई साहब वो वक्फ बोर्ड के अंदर है, उसका केस भी है, और वो वक्फ बोर्ड की जमीन उस पर मुसलमान कह रहे थे। मैंने सिर्फ उसका एग्जांपल दिया, वो बैंगलोर की ईदगाह मैदान, भाई हम तो 5 साल रहे आप जानते हैं, तो मैंने उसका जवाब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या हमारे त्यौहार नफरत फैलाने की वजह बन जाएंगे? ये परसेप्शन बनना चाहिए, क्या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? नवरात्रि आएगा, आप कहीं इसकी दुकान बंद कर दो, उसकी दुकान बंद कर दो, मीट की दुकान बंद कर दो, तो आप नफरत क्यों बना रहे? ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अलीगढ़ में रूबी खान के घर के बाहर धमकी भरा पोस्टर लगा। क्या था इस पोस्टर में? इस पोस्टर में रूबी खान को काफिर बता दिया गया, जान से मारने की धमकी दे दी गई। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उनके परिवार को भी धमकी दे दी गई, सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि रूबी खान ने घर में क्या किया था, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर ली थी, और इसमें यह लिखा गया क्योंकि वो पूजा करती हैं, क्योंकि वो वंदे मातरम बोलती हैं, इसलिए उन्हें जिंदा जला देना। समाज में कट्टरवादी लोग होंगे, समाज में क्या है कट्टरवादी लोगों की वजह से अब आप सुन लीजिए, नहीं हो जाता। तो एक तरफ तो नवरात्र में किसी मुस्लिम का मूर्ति पूजा करना मंजूर नहीं है, दूसरी तरफ गरबा पंडाल में भी जाना है, डांस भी करना है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है? नहीं जाना है भाई, अरे नहीं जाना है। आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? आपको क्या ये खुशफहमी क्यों हो रही है कि हमको जाना है? हमको क्या नहीं जाना है अभी सेक्युलरिज्म पर? आपने दो शब्द नहीं कहे सेक्युलरिज्म पर, रूबी खान का नाम आया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने कभी सुना है कि मुसलमानों को कह त्यौहार आया और शोएब जमाई ऐलान कर रहा है कि भाई हमारी ईद में मत आओ, हमारे यहाँ ये मत करो, वो मत करो? अरे क्यों करेंगे यार, जब भी आपका त्यौहार आता कोई ना कोई बीजेपी का नेता बयानबाजी शुरू कर देता, अरे ऐसा नहीं करेंगे, चोंगा लेके पहुंच गए, बोला अरे ये कार्ड देखें। भाई तुम त्यौहार मना रहे हो या जंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? पूरी दुनिया में थूथू हो रही है तुम्हारी वजह से? पहले कभी ऐसा होता था क्या? त्यौहार मना रहे हो, धार्मिक सौहार्द की बात होनी चाहिए, तो नफरत फैला रहे। तो ये रूबी खान पर नहीं बोले, उससे बहुत देश का नाम रोशन हो रहा है, सेक्युलर कंट्री का नाम बहुत उसमें चार चांद लग रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन है ना उसमें, चार चांद लग रहे हैं। बीजेपी के लिए सवाल पूछा है पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हमारे साथ है। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं हमारे यहाँ ईद होती, हम नहीं कहते मत आओ हमारे यहाँ, यहाँ देखो हिंदू त्योहार है तो बीजेपी झंडा बुलंद कर देती है, बीजेपी नफरत फैला रही है। बात देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, ये शोएब जमी भी समझ रहे हैं कि नफरत इस तरह से बोल के कौन फैला रहा है। जहां तक रही बात हिंदू मुसलमान की, तो इस देश में कब नहीं था। सच्चाई स्वीकार करने में ना आपको पीछे हटना चाहिए ना मुझे पीछे हटना चाहिए। शोएब जी हिंदू मुसलमान तो है भाई, शाह साहब भी बहुत बोल रहे थे, आमी को भी बीच में ले आए, हिंदू मुसलमान तो है, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि एक दूसरे की धार्मिक भावना को, एक दूसरे की खुशियों का लिहाज करें, न कि उनमें रंग में भंग डालें। रिजवान साहब ने साफ बोला, आप बुत परस्ती कर नहीं सकते हो, आप जब कीर्तन में आ नहीं सकते हो, आप माता की भक्ति में जा नहीं सकते हो, तो गरबा क्या करने जा रहे हो? वहां नमाज तो पढ़ोगे नहीं। जब आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप हिंदू नाम बता रहे हो, फिर आपसे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है तो आप माफी मांगने लगते हो। आप जरा सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए अदिति जी, ये कोई नॉर्मल मुस्लिम युवक नहीं होके आज PFI के आतंकवादी होते, ब्लास्ट करने गए हुए होते, कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? ये तो आप जो वहां पे सजग कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, जो वहां पे पंडाल की देखरेख कर रहे थे, उनको शक हुआ तो उन्होंने पूछा, पूछताछ की, पकड़ा, उसके बाद निकाल दिया, पुलिस के हैंडओवर कर दिया। आज इसी तरह से सोचिए, कोई कोई मुस्लिम जलसा हो रहा होता, इस तरह से हिंदू युवक घुस गए होते, जिंदा बसते? एक मुस्लिम मोहल्ले में चार हिंदू युवक खाली घूमने लगे खाली 2 घंटे, कोई छोड़ेगा उनको? ठीक है, आप यहां पर मुसलमान तो है ना, तो एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना चाहिए, न कि समाज में तनाव बढ़ाने से कोई फायदा होगा। ठीक है मोहम्मद अली शाह, भावनाओं का सम्मान करना। डॉक्टर रिजवान अहमद मैं दूंगी आपको फ्लो, सर आपको फ्लो दूंगी, और श्रीराज नायर जी आपको भी दूंगी, लेकिन जो पॉइंट उन्होंने उठाया, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देना, वो नहीं आता सेक्युलरिज्म में? देखिए आप बोले देंगी तभी आप सुनेंगी, सुनने की सहमत करेंगी तो मैं बोल पाऊंगा। देखिए मैं मुसलमान हूं और मेरे को बहुत फक्र है इस बात की कि मैं मुसलमान हूं,
और अगर मैं हिंदू धर्म की इज्जत करूंगा तो हिंदू धर्म भी मेरी इज्जत करेगा। सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे साथ तो किसी ने नफरत नहीं करी, मेरे साथ किसी ने तासुब नहीं करा? क्यों? इसकी खास वजह है, इसकी खास वजह यह है। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि भैया अगर आप वेलकम नहीं हो रहे हैं गरबा में तो मत जाइए, मत जाइए। आपको अगर वो कह रहे हैं मत आओ, देखिए मेरे को दुर्गा माता आरती भी आती है, मेरे को करनी माता आरती भी आती है, मैं हाजी साहब हूं, मैंने हज किया हुआ है और मैंने कई उम्रे किए हुए हैं और मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं। और मैं आप बोलिए भजम्बे भगवती दुर्गा महारानी सेवक काचदारो दर्जा बंधन यानी या दुर्गा माता आरती बोलिए आप, अजा मोरे कंठ अंबे बसो भवानी, कौन समय तुझे प्रकट की नहीं, कौन समय तुझे मानी तुलसीदास, भजो भगवान सबके मन में मैया तू ही मगवास हो तुम। ऐसी बात है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, और अगर अगर हमारे भाई साहब जिन्होंने अभी बोला उनको आपत्ति है कुछ, जो हमारे देश में आर्मी से कुछ सीखने की, अब आप बोले आर्मी का नाम मत लाओ, क्योंकि अगर आपको आपत्ति है कि आर्मी में से सीखने की हिंदुस्तानियों को, हाँ ये बात मैं मानता हूं, उनकी बात से इस बात से सहमत हूं, हिंदुस्तान में कब हिंदू मुस्लिम नहीं था, था, मगर इसमें जिम्मेदारी बनती है आदित्य जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को समझती हूँ। इसलिए जब आपने कहा ना हिंदू मुसलमान करती हैं आप, तो मैंने आपको सच का आईना दिखा दिया, इसीलिए आर्मी के नाम पर मैंने इसलिए ऑब्जेक्शन किया। सुन लीजिए ध्यान से, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए हर किसी के मन में सम्मान है, तो आप उन्हें बाहर रहने दीजिए ना, उन्हें बाहर रहने दीजिए। क्यों आपको आपको ये बताना है कि आप आर्मी में सर्व करके आए हैं सर, आपको क्या ये आपको ये कहने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? आगे बोल नहीं पाई, मैंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडएक्स टॉक्स दिए हैं और मेरे आगे मैं दावा कहता हूं सर, ये आपके प्रमोशन के लिए डिस्कशन नहीं है, तार्किक तौर पर डिबेट के लिए डिस्कशन है सर, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर आकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने दो दशकों के लंबे करियर में मेरे पास कितना ग्लोबल है, वर्ल्ड एक्सपोजर है, मैंने किस यूएन एजेंसी के लिए काम किया है या मैंने क्या एजुकेशन हासिल किया और मेरी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शक यहाँ तर्क सुनने आए हैं, अदिति त्यागी का प्रमोशन देखने नहीं आए हैं। तो तार्किक तौर पर आप रहेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। श्री राज नायर, देखिए सबसे पहले तो ये अजय आरोप जी ने कहा बिल्कुल सच कहा, हिंदू मुस्लिम है ये देश में, हमने बंटवारा जो हुआ वो भी उसी धर्म के आधार पर हुआ, इस दुनिया में कई देशों में बंटवारे हुए, केवल भारत ही था जो केवल धर्म के जो देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। पर आप ये और चाहते क्या है, जब इनको मैंने बार बार सभी लोग कहते हैं इनको दुर्गा माता में आस्था नहीं है, हमारे पूजा पद्धति में आस्था नहीं है, बुद्ध परिस्थिति में मानता नहीं, ये तो गरबा पंडाल पूजा पंडाल मध्यवस्थी करने की जगह नहीं है, विश्व हिंदू परिषद इनको ताकीद करता है, वार्न करता है, अभी तो हुआ आगे इन्होंने किया उसी तरह की गुरु तरह पिटाई होगी और उनको पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा, इसलिए इनके लीडर जो समाज और जाहिर है फिर उनकी पिटाई करते हैं, आप ही ये जो नफरत का माहौल है वो क्रिएट कर रहे हैं। आदित्य जी इनके समाज में जाहिर समाज है, बेरोजगारी है, उनको मदद करने के बजाय उनको घर ये क्या बोल रही है, बिल्कुल इनको तमीज है बात करने की, तमीज है बात करने की नहीं है, कहां से ये सड़क छाप लंपटों को उठा के लाते हैं आप? अरे आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, सुनिए, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, पहले ध्यान से बात करने की, ध्यान से रखिए आप अपनी भाषा पर नियंत्रण और मर्यादित तरीके से किसी बात को ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, सर्टिफिकेट ना आप देंगे किसी को ना कोई आपको सर्टिफिकेट दे रहा है यहाँ पर, आराम से, ये आपको पता होना चाहिए कि मर्यादित तरीके से अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर इस मंच पर होना डिजर्व नहीं करते, और ये मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूं, ये आप लोगों की तू तू मैं के लिए बहस नहीं करती हूं मैं, और ये जो थोड़ी देर पहले मोहम्मद अली शाह कह रहे थे हिंदू मुसलमान हो रहा है, जरूरत है उसे भारतीयता का आईना दिखाने की, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करती हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से संविधान के दायरे में बात करती हूं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।